सो गाइस इस कील ने हमारी जो संडे राइड थी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ गुड डे एंड आज संडे राइड पे निकले हम तीन बाइक से। आज पहले तो बहुत सारे बंदे थे बट बाद में सबका कैंसिल हो गया, किसी को कुछ काम पड़ गया। तो आज करते हैं स्टार्ट अपनी राइड और पहले आपको बाइक दिखाता हूँ कौन कौन सी है। एक बाइक है आज पल्सर 220, पल्सर 150 एंड दिस वन इज स्प्लेंडर जो मेरी है। आज मैं हिमालयन नहीं लाया हूँ, मैं ये वाली लाया हूँ। सो मेरा टायर शायद फट गया, लीक हो रहा है, कहीं से आवाज़ आ रही है कुछ। सो गाइस निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली ना मेरा टायर जो है वो पंचर हो गया शायद से, कुछ आवाज़ सी आ रही है हवा निकलने की। तो हवा ख़त्म हो जाए इससे पहले हम यहाँ पे एक शॉप है वहाँ से करवाते हैं। और संडे राइड पे ना हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, तो आज मेरे से स्टार्ट हो गया। पिछली बार दूसरी बाइक ख़राब थी। इस बाइक का ना मतलब एक्चुअली सीन क्या कि पहले मैं हेलमेट बंद कर लेता हूँ पर वाइज़र। इस बाइक के साथ क्या सीन है ना कि आजकल ना ये बाइक को चलाता नहीं, ये मेरा फर्स्ट क्रश है, ठीक है। ये बाइक जो मेरा फर्स्ट क्रश है और हमेशा रहेगी, क्योंकि यार इसे बहुत प्यार है, इस बाइक से इसने बहुत साथ दिया है हमेशा, कभी इसने धोखा नहीं दिया। आज भी इसने ना सही टाइम पे, जब भी हवा निकली सही टाइम पे निकली है। सो गाइस वहाँ पे शॉप देखते हैं क्या होता है अभी ना, मतलब फिर पंचर लगवाना पड़ेगा। अभी हम घर से आए थे बिल्कुल ऐसे कि कुछ काम धंधा नहीं होगा, सीधा निकल जाएंगे, पर यहाँ पे आते ही पहले धोखा लग गया। अब पता नहीं इधर वो है भी दुकान या नहीं, वो दुकान नहीं दुकान वाला है भी या नहीं है, कोई पता नहीं है उस चीज़ का। देखते हैं क्या होता है गाइस। कुछ आवाज़ आ रही है यार हवा निकलने की, और हवा निकल भी रही है। अब कहीं ना हमने ऑफ रोड करना है तो कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको करवा लेते ना, ताकि कहीं धोखा ना हो जाए हमारे साथ वहाँ पे ऑफ रोड करते हुए। आ रही है ये ऊपर जाती है ना आवाज़, फिर ऊपर हो जाती है। देखिए इस जगह कहीं से आ रही है ना, इस एरिया से। तो वैसे अब टायर खोलना पड़ेगा, नट वगैरह खोल दिए थोड़े से ये ट्यूब के, अब देखते हैं क्या होगा। ये देखो गाइस, लेकिन 150 हमने इसका मतलब क्या हिस्सा था। ब्रेक शू देखो बिल्कुल खत्म है, ठीक है, इसकी ब्रेक्स वगैरह बहुत कम है। सो गाइज इस छोटे से कील ने ना दिमाग ख़राब कर दिया, और ये देखो यार इतना बाइक का ये खोलना पड़ा टायर। सो गाइज इस कील ने हमारी जो संडे राइड थी वो थोड़ी सी ख़राब कर दी थी, बट अब सब सही है। फाइनली टायर लग चुका है, अब निकलते हैं अपनी राइड को। इन्होंने हवा भरानी है, हवा भराते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और सबसे पहले ये भाई निकलेगा, चलो आराम आराम से निकलेंगे क्योंकि गंदा ट्रैक है। सो अब सेकंड वन मैं चलूँगा, और यहाँ पे ना कभी भी आप आते हो गाइस तो बाहर गियर में चलना, क्योंकि ना मतलब न्यूट्रल तो कभी मत करना कि हाँ यार रोड ऐसा तो हम न्यूट्रल कर दें, वो चीज़ भी सही नहीं है। सो इतना स्ट्रगल है यार, देख रहे हो। सो गाइस एक्चुअली वीडियो थोड़ी लैग कर गई थी, तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ से वापस आया हूँ इस जगह पे, ये आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ से मुड़ते हैं एंड साइड में देखो रिवर कितनी ज़बरदस्त सुंदर लग रही है। सो यहाँ से मुड़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं अच्छे से। आप देखो यार पहले वीडियो लैग कर गई, बट अब देखना गाइस ये साथ में जब रिवर चल रही है और साथ में हम चल रहे हैं ना यहाँ से, तो कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है गाइस। अब जो सही ट्रैक है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, और मेरा भाई वेट कर रहा है आगे, तो वहाँ पे जाते हैं और आराम आराम से चलेंगे गाइस। पहले बहुत अच्छी वीडियो बनती बट लैग कर गई, बहुत अच्छा एंगल भी आ रहा था। अभी मैंने फिर से एंगल चेक किया, अब देखते हैं कि एंगल सही आ रहा है नहीं, वॉइस क्लियरिटी है या नहीं। वॉइस तो सही आ रही थी पहले भी, बट वही लैग कर रही थी वीडियो, तो मैंने चलो डालूंगा बेकार लगेगी। थोड़ी सी क्लिप्स आपने देखी जैसे पहले मैंने डाली थी, तो यहाँ पे आ गया गंदा सा ऑफ रोड। तो गाइस देख रहे हो, वाह यार। तो गाइज ये देखो साथ साथ में हमारे रिवर चल रहा है, एंड ये रिवर जो दो रिवर्स को
दो रिवर्स मिलके ना ये रिवर बनी हुई है जो साइड में हमारे चल रही है। एंड ये अपना भाई इसको ले चलते हैं हम यहाँ से। अब मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा है, ठीक है भाई को बैठाना थोड़ा, पहले थोड़ी हल्की सी होगी थी ज़्यादा ही बाइक, अब सही लग रहा है गाइस। सो देख रहे हो आप साइड में मतलब रिवर और यहाँ पे हम बाइक राइड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा फील आ रहा है। एंड ये गाइस पूरा ऑफ रोड है, ठीक है इधर हमें बिल्कुल भी अच्छा रोड नहीं मिलने वाला है। रोड देख रहे हो कैसा है, यहाँ पे टिपर वगैरह ही आ सकते हैं। बाइक तो फर्स्ट टाइम ही ले रहा है कोई यहाँ पे, हमें शूज़ भी दूसरे डाल के आया हूँ। यहाँ से तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है यार, ये बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है गाइस। ये देखो और पत्थर इतने बड़े बड़े ना, बहुत मुश्किल है यहाँ से गाइस। वाटर क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी यार, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ से हम चलें, यहाँ से आ जाएं यहाँ पे कितना पानी है, प्रेशर है बट पानी सही है। अगर हम यहाँ से आ जाएं यहाँ पे, ठीक है देख रहे हो, यहाँ से होते हुए अगर हम यहाँ से आ जाएं और यहाँ पे घुस जाएं, यहाँ तक हम आ सकते हैं आराम से। बट इसके बाद फिर स्ट्रगल है, ठीक है ना। स्ट्रगल क्या है मतलब इम्पॉसिबल है यार, इसको करना बहुत ही इम्पॉसिबल है गाइस। यहाँ से अगर हम कर दें, यहाँ प्रेशर एक तो पानी का बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात हमें जाना था वहाँ तक, तो इम्पॉसिबल लग रहा है यार, बहुत मुश्किल है। सो अबे मैं बंदे का जाना मुश्किल है तो बाइक तो बहुत मुश्किल है ना, मतलब पत्थर इतने बड़े बड़े ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। तो देखो अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा है यार, यहाँ से ना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अगर बाइक गिर गई तो फिर बाइक स्टार्ट नहीं होगी गाइस, देखते ना क्या बन पाता है। अभी मैंने इतना क्रॉस कर दिया है, थोड़ा सा तो मैं पानी में लाने वाला हूँ, बाकी देखा जाएगा यार जो होगा सो, बट थोड़ा सा तो मैं पानी में लाऊँगा बाइक को। वैसे क्रॉस कर सकते हैं बट हिमालय लाई थी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, अभी हिमालय नहीं ना तो थोड़ी सी टेंशन है कि सीन ना हो जाए। यहाँ तक थोड़ी सी इतनी सी दिक्कत है इतनी सी जगह में, देखते हैं क्या होता है यार। और फिर अगर यहाँ पहुँच गए फिर वहाँ जाना है हमें और वहाँ से वो क्रॉस करना है यार, दिक्कत वाला काम है यार ये, बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉसिबल है। सो जगह देख लो आप, लोकेशन चेकआउट करो गाइज, बहुत ही तकड़ी है। ऑफ रोड करने आए थे बट गाइज ये जो पानी भरा है ये क्यों भरा है मैं बताता हूँ आपको। बारिश वगैरह हुई है ना बड़े दिनों से, तीन चार दिन से बारिश चल रही है, यहाँ पे नहीं हो रही बट वहाँ पे हो रही है थोड़ी पीछे पीछे। सो वो वाला पानी जो है वो आ रहा है यहाँ पे और पानी ने ना प्रॉब्लम डाल दी यार। सो इसी चीज़ की वजह से ना, पर मैं कोशिश अपनी 100% करूँगा कि मैं बाइक निकाल पाऊँ, देखते हैं क्या बन पाता है, ठीक है देखते हैं गाइस। मैं तो निकाल लूँगा, मतलब धक्का लगाना पड़ेगा भाई किसी ना किसी को। देखो यहाँ तक ये चीज़ है, यहाँ देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यार अंदर, कैसे बंदा घुसा है, मैं कैसे घुसाऊँ, घुसा भी दूंगा ना हिमालय होती तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, मैंने आपको पहले भी कहा। बट स्प्लेंडर है ना, ये देखो कितना पानी है यार। देखो यहाँ तक अब यहाँ से वहाँ लेना मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बट मुश्किल है ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, ये देखो यहाँ से लेना मुश्किल है यार। गाइस अब मैं ये वाला ट्रैक करने वाला हूँ और बस यार कमेंट में बताना कैसा किया, अब मुझे पता नहीं है क्या होगा यहाँ पे, बट यार यहाँ पे ना बाइक फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है। सो गाइस प्रेशर इतना ज़्यादा ना यहाँ पे, क्या बताऊँ कि बाइक को ले जाए मेरी, बट कर दिया हमने फाइनली ये वाला। बहुत गहरा था।
इसमें से पानी निकल रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है पाइप से। यहाँ पे बंदा मिल गया है, ये मछलियाँ पकड़ रहा है यार। हाँ, सो गाइज आपको बताते हैं कि ये कैसे बनता है। ये क्या लगाया आपने? आटा। आटा लगाया आगे, ये देख रहे हो आप, और ये पीछे एक पत्नी कोई तार सी है, और ये पत्थर किस लिए ताकि नीचे जाए ये। हाँ। है ना, और अब ये फेंकेंगे, देखना देखते रहना गाइज। ये देखो वो वहाँ पर फेंका है इन्होंने, अगर कोई मच्छी निकलती है तो आपको बताते हैं। इन्हें मछलियाँ पकड़ ली है, देखो देख रहे हो, दो मछलियाँ पकड़ी, अगर और भी मिली तो दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ पे देखो यार क्या नज़ारा है, अगर कोई मच्छी मिलती है तो बताते हैं आपको। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ व्लॉग। एक्चुअली व्लॉग छोटा हो गया तो मैं शायद एक पार्ट में डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा हमने वो कर नहीं पाए। एक तो मौसम आप देख लो कितना ज़्यादा, मतलब बेकार सा मौसम हो गया ना, बहुत ही बेकार सा हो गया, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। बाकी थोड़ा वाटर पासिंग वगैरह कर दी, और इंस्टा पे फॉलो करो तो गाइज वहाँ पे आपको रील मिल जाएगी मेरे जीरो कट की। फॉलो करो इंस्टा पे, एंड सी यू सून गाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।